आपसे मिलकर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेक्निकल टेक्नोलॉजी पर। दोस्तों पहला था ब्लू व्हेल शार्क, अब आ चुका है मोमो चैलेंज। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा तक देखते जाइए और मैं आपको बताऊंगा कि ये मोमो चैलेंज क्या है और इसे कैसे अवॉइड करिए और इसको कैसे मतलब छोड़ा जाए। दोस्तों इस वीडियो को पूरा तक देखते जाइए और मैं बताऊंगा इस वीडियो को आपको कि अब मोमो चैलेंज क्या था और इसे कैसे अवॉइड करा जाए। दोस्तों आज की वीडियो सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल टेक्नोलॉजी को और इस बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट कि मोमो चैलेंज क्या है और ये कहाँ से शुरुआत हुआ है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, एक जापान में एक लड़की थी जो जिसका एक बच्चा था, तो उसे क्या हुआ था, उसे वो डूब गई थी और उसके साथ ही साथ उसका बच्चा भी डूब गया था। तो उसे डूबने के बाद, उसे मर जाने के बाद उन्होंने उसे मोमो बुलाना, मतलब मोम बुलाना, उसकी मोमो बुलाने लगे। तो क्या होता था कि जापान के जो सड़क होते हैं, तो जब भी वो लोग कोई भी जाता है तो वो लड़की आती है और उसके सामने उसके बच्चे के साथ भी देखा जाता था, वो लोग कहते थे। तो इसके लिए उस लड़के पर वो लोग सब डरते थे, उस लड़की को जो मरी थी। तो उसके बाद क्या हुआ था कि लोगों ने उसका नाम दे दिया है मोमो, मतलब मोम उसका नाम दे दिया। तो अभी जो पिक्चर आप सबको मतलब देखते होंगे कि फेसबुक व्हाट्सएप पे लीक हो चुका है, तो वो पिक्चर किसी उस लड़की ने नहीं, वो पिक्चर एक जापान में किसी एक आर्टिस्ट ने बनाया था। तो आर्टिस्ट ने बनाने के बाद क्या किया, तो उसे वायरल हो चुका था। तो वायरल होने के बाद मतलब उस आर्टिस्ट का कोई भी दोष नहीं है, मतलब उस आर्टिस्ट ने सिर्फ उस ड्रॉइंग को बनाया था, उसका कुछ गलत इस्तेमाल नहीं किया था। तो उस आर्टिस्ट ने उसे बनाया था। तो बनाने के बाद क्या हुआ था कि एक मोमो कुछ नया कुछ आ रहा था, तब कुछ मोमो क्या कर रहा था कि सभी लोग अपने फेसबुक पर, ये सबसे पहले इसे फेसबुक पर देखा गया था। फेसबुक पर देखा जाने के बाद उसे किसी जर्मनी का एक लड़की का मौत हो चुका है, मतलब वो मर चुकी है उस किसी चैलेंज के लिए। तब ब्लू व्हेल के शक में तो जानते थे, वो भी कुछ चैलेंज देता है, अपने आपको हर्ट करने के लिए बोलता है, आपको जान देने के लिए बोलता है। तो कुछ ऐसा ही है मोमो चैलेंज भी। तो ये मोमो चैलेंज क्या हो रहा था, कुछ ऐसे ही फेसबुक पर ये सबसे पहले आया था, उसके बाद आपको व्हाट्सएप पर भी मिल जाएगा। तो अभी तक ये इंडिया पर नहीं आया, तो और कंट्री पर आ चुका है। तो इसको क्या हो रहा था कि आपको एक नंबर आएगा, नंबर आने के बाद उस साइड में इसका वो जो आर्टिस्ट का जो ड्राइंग था वो आपको साइड में दिखाई देगा, आपको नीचे चैलेंज दिया जाएगा। तो आपको ये आपको बच्चों के लिए आपको ये बच्चों को सिर्फ देता है, उस पर चैलेंज दिया जाता है कि आपको ऐसा करना है, कुछ ऐसा करना है। तो आप नहीं करेंगे तो आपको धमकाएंगे, ब्लैकमेल करेंगे, मतलब आपको स्कूल जाने पर उठा लेंगे, अपने मॉम डैड को मार देंगे, तो ऐसा ही कुछ बोलते हैं। तो ऐसा बोलने के बाद आपके बच्चे तो भेज जाते हैं। तो भेज जाने के बाद आपको क्या करते हैं कि उनका चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ता है और आपको खुद को अभी हट करना पड़ता है। तो इसीलिए आप प्लीज़ अपने बच्चों को और अपने किसी को भी आप प्लीज़ इसे रोक दीजिए। और पहले सबसे पहले इसे व्हाट्सएप पर आप प्लीज़ देखिएगा आपको व्हाट्सएप पर ये आया या नहीं। तो अभी तक ये इंडिया पर नहीं आया, तो और एक कंट्री पर तो आ चुका है। तो हम यही दुआ करते हैं कि इंडिया पर भी ये नहीं आया, तो इंडिया के लिए ये अच्छा बात नहीं है। पहले ब्लू व्हेल शक पर बहुत लोग भी मारे जा चुके हैं, तो इसीलिए किसी मासूम लोगों की जान नहीं जानी चाहिए। तो आपको कुछ भी कॉल आया तो आप उसे डायरेक्टली ना बोल दीजिए, और आप चाहे तो प्लस कंप्लेन भी कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी परेशानी हो। तो दोस्तों आप प्लीज़ इन सब से दूर रहिए और इन सब से बच कर रहिए। तो आपको ये हर्ट करने के लिए, आपको खुद को हर्ट करने के लिए, आपको कुछ भी करने के लिए आपको ये धमकाएंगे। तो आप इसे प्लीज़ बच कर रहिए और इस चैलेंज को मत एक्सेप्ट कीजिएगा। सो दोस्तों ये है मोमो चैलेंज। और दोस्तों इस मोमो चैलेंज के क्या आप क्या सोचते हैं, अपने कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएगा। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लिए और इस बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए। सो दोस्तों मैं मिलता हूँ एक वीडियो पर। दोस्तों थैंक यू एंड